गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोथेनबर्ग। आज है -8 डिग्री और हम जा रहे हैं एक छोटे से ट्रैक पे। एक फ्रोजन लेक है जो शायद आज आप सबको दिखा पाए। सो स्टे विथ अस एंड वी होप वी सर्वाइव। सो अभी तक की न्यूज़ ये है कि हम मिस कर गए हमारी एक्सकोर्स। हाँ, अभी नेक्स्ट बस 15 मिनट के बाद है और फिर हमारी दो बस के बीच में सिर्फ 5 मिनट का डिफरेंस है। सो वी हैव टू रन। आई थिंक पता नहीं बर्फ में बस बंद हो गई है क्या, पर लेट और होप हम पहुंच जाए। सो गोथेनबर्ग के आसपास बड़े पहाड़ तो है नहीं और ये स्नो स्कीइंग और हाइकिंग की सीज़न है, तो हमने सोचा कि कहीं आसपास स्नो हाइकिंग के लिए चलते हैं। तो हमने मीटअप ऐप के थ्रू कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए थे जो हाइक ऑर्गेनाइज करते हैं। सो वन ऑफ दैट ग्रुप हैज़ एन इवेंट ऑन दिस सैटरडे, तो हमने वही ज्वाइन किया है एंड आई होप इट्स वर्थ इट एंड यू गाइज विल ऑल्सो इन्जॉय। जी स्नो। हाँ क्या इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट, लेट्स गो। Frozen lake guys, you can see the entire lake is frozen. We'll see if we can walk on that. Oh! I just like this, you know, whenever it takes to me, I'm not going to pedal it off. And then I call Bessie and you come back. Yeah. It was lightning, there was storm. Oh! And we had the real adventure. I don't want to be alone. You guys, the real adventure, guys. It was a crazy experience. It was crazy. Everybody was fighting to cross that wind, you know, it's like Olympic. Yeah. I watched the sign and I was like, we're not going to rest, we're going to get to the side, we're going to just run. The wind direction was opposite. Oh no. What happened after people way past this brook? फील्स लाइक हम नार्निया मूवी में आ गए और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और सन भी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी ड्रीमी सैटरडे, लाइक अ ड्रीम, सन एंड स्नो कॉम्बिनेशन। या एंड वी चूज द बेस्ट डे फॉर ट्रैक। एक्चुअली इट्स -8 डिग्री। या हमको पसीना आ गया, पसीना आ रहा है क्योंकि चल रहा है एंड काफी कुछ चल लिया, बट थक नहीं रहा, मजा आ रहा है
और अभी हम हैं जंगल में। हाँ हाँ, हम लोग कोई ट्रेल चल रहा है जहाँ पे ऑरेंज मार्क्स बने हुए, लेकिन पता नहीं हम लोग कहाँ कहीं तो निकलेंगे लेक के आस पास। ऑल्सो वी आर फॉलोइंग दिस बाइक मार्क्स। यहाँ पे बाइक्स लेना इज वेरी डेयरिंग। इतना सारा स्नो और ऐसे ट्रैक्स करने मिलेगा, हम सोच रहे थे दिस इज ओनली हैपन इन द फार नॉर्थ, बट आज हम यहाँ आए तो आप देख ही रहे, हमको पूरा अलग सा फील आ रहा है। स्लोली इट्स वाटर, और अभी हम पानी पे चल रहे हैं। ये वो स्लिपरी है। यहाँ पे देखिए पानी है। हाँ। ये मेरे पीछे। ये यहाँ पे स्टोन है। मेरे पीछे। हमारे पास समर का भी वीडियो है। वी विल कंपेयर। कंपेयर करेंगे। कैसा लगता है? आगे देख के चलो। सो गोथेनबर्ग में एक दिन स्नो होता है, दूसरे दिन बारिश हो जाती है, तो जनरली इट विल स्लिपरी, बट लकीली दो दिन से स्नो हो रही है तो हम चल पा रहे हैं। रिवर, हाँ तुम जाओ। टेक द प्लान। और ये उसमें लकड़ी लेके स्नो में चलते हुए। हाँ बर्फ में वीडियोग्राफी करना इट्स नॉट ईजी, कभी भी पैर कहीं भी किसी खड्डे में घुस सकता है। सो आई नीड सम पेरेज, आई नीड सम पेरेज फॉर दिस वीडियो, क्योंकि मैं रिस्क ले रहा हूँ। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। लुक एट द ट्रेल, नायरनिया मूवी की याद आ गई। अभी सुना है बर्फ में पसीना आ रहा है। नहीं आई एम ओके। गाइस वी आर इन किरुना, दिस इज अ हिडन किरुना इन गोथेनबर्ग। यू डोंट नो दिस किरुना, व्हाट आई डोंट नो वेयर इज गोथेनबर्ग। दिस इज हिडन किरुना पार्ट 2। सो अभी हम रोड क्रॉस करके आए अदर साइड ऑफ द लेक, और ये लेक यू कैन सी एक पतली सी लेयर जमी है। सो हम अभी जा रहे थोड़ा आगे, ब्रेक लेके उसके बाद थोड़ा कुछ नाश्ता वाश्ता करेंगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू अवर न्यू ट्रेल। एंड देन ये देख के कोई बता नहीं सकता कि समर वाली जगह और ये वाली जगह सेम है, इट्स अ वेरी डिफरेंट। इन विंटर हम समर में आए थे, सो सब ग्रीन था, और यू कैन सी अभी कितना ड्रीमी है। हाउ a hike, I should put the video off, and here's the other group who are joining us. So these are the steps, but it's not like steps, it's a slope. Dreamy. This only spot where I'm going to go.
It's okay. If it will fall, we can pick it because it's frozen. और ये हम आइस ब्रिज पे वॉक करते हुए जो है फ्रोजन लेक को कनेक्ट करता है दो आइलैंड से. यू कैन सी लेक इज गेटिंग फ्रोजन. एक दो वीक में पूरी तरह से फ्रोज हो जाएगा. आइस एंड सैंड. या So this is the place, the highlight of the trek. यहाँ पर slope है, sun है, cafe है. And we are here. वहाँ पे लोग डुबकियाँ लगा रहे हैं. Here's the other group. यहाँ पर बच्चों के लिए सिटिंग एरिया भी बनाया है. And here is the Swedish boat. Hello. They also need some clothes. Yeah. Right. Great. First I thought they are like some statues. It's a video. Video. You see, your eyes are This house is built in 1788. Break is gonna end. This is our last stop. यहाँ से हम जाएंगे घर. सो अब हम जाएंगे मैक्स में पेट पूजा कर. अभी बज रहे 3. सो फाइनली हमारा ट्रैकिंग सक्सेसफुल रहा और हम वापस घर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. हमने सोचा था उससे 10 गुना बेहतर रहा है. और नाउ वी आर टायर्ड बट इट वाज फन. We walk almost 10 kilometers, no? More than 10. Yeah, more than 10. 15,000
वो भी स्नो में एंड ऑन योर ट्रैकर स्नो में हाँ, और मेरा पैर भी जम गए थे हाँ, और कुछ कुछ पॉइंट्स पे हाथ और पांव फील नहीं हो रहे थे बट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. ठंड ही नहीं लग रही थी एटलीस्ट क्योंकि स्नो सन था आज.